046. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण का साधारण शब्दों में यह अर्थ है कि वह प्रक्रिया जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है, साथ ही पूरे राष्ट्र के लिए निष्ठा का केंद्र विकसित करती है। यह वह प्रक्रिया है जो लोगों में जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक जैसी अनेक भावनाओं को समाप्त करके राष्ट्र के प्रति निष्ठा जागृत करती है। सन 1947 के 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात को संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चीर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद दो बातों पर सभी की सहमति थी: देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, इस शासन में सरकार गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखेगी। भारत को आजादी तो मिली परंतु बंटवारे के साथ, जिसके कारण त्रासदी देखनी पड़ी। आजाद भारत को इन्हीं परिस्थितियों में बहुविध लक्ष्यों को हासिल करना था। राष्ट्र निर्माण की मुख्य रूप से तीन चुनौतियां थी: एकता और अखंडता को बनाए रखना, दूसरा लोकतंत्र को कायम रखना, तीसरा समानता के आधार पर सबका विकास करना। एकता और अखंडता को बनाए रखना, विविधताओं के साथ सारे समाज को एक सूत्र में बांध कर रखना। भारत अपने आकार और विविधता के किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली, संस्कृति तथा अलग अलग धार्मिक अनुयायी वाले लोग रहते थे। ऐसा माना जा रहा था कि कोई देश इतनी विविधता के साथ ज्यादा दिन एकजुट नहीं रह पाएगा। मन में प्रश्न था कि क्या भारत एक रह पाएगा, क्या भारत एकजुट की ही बात करेगा, क्या बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि देगा, क्षेत्रीय अखंडता को हासिल कैसे किया जाए, लोकतंत्र को कायम करना लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है, भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संविधान जरूरी होता है, साथ ही चुनाव में राजनीतिक मुकाबले भी होते हैं, संविधान के अनुसार नियम और कायदे व्यवहार में लागू करना भी जरूरी होता है, समानता के आधार पर सबका विकास करना, सामाजिक रूप से वंचित तबकों और धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट किया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी को खत्म करने के लिए कारगर नीतियों का निर्माण करने की थी। विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास। 14 और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया के एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि
हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। कांग्रेस ने द्विराज सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का घोर विरोध किया। उसके बावजूद शासन ने पाकिस्तान की मांग मान ली। विभाजन प्रक्रिया, जिस भूभाग को इंडिया नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान दो देशों में बांट दिया गया। साथ ही इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक थे वह इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्सा भारत कहलाएगा। ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं था, फिर भी दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका ना था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। मुसलमान बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और द्विराज सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। उनकी आवाज को अनदेखी कर दिया और पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा और इनके जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक बंटवारे की सीमा का फैसला नहीं हो पाया था। अभी तक लोगों को यह पता ही नहीं था कि वह भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। यह समस्या विकट रूप धारण करने लगी। इस घटना से उभरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी और जल्दी ही हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता बचा था कि वह अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर ही करना पड़ता था। विभाजन के परिणाम, इतनी बड़ी आबादी का आकस्मिक स्थानांतरण अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरण में से एक था। लोगों को बेरहमी से मारा गया और लूटा गया। महिलाओं को अगवा कर बलात्कार किया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया और शादी की। खुद परिवार के लोगों ने अपने ही कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहु बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल हो गए उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता शहर सांप्रदायिक दंगों के अखाड़े में तब्दील हो गए। लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब था कि
महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। पुलिस और स्थानीय प्रशासन का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। इन सब के लिए बंटवारे का मतलब दिल के दो टुकड़े हो जाना था। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसी की तरह रह रहे थे, अब वह हिंसक अलगाव का शिकार हो गए थे। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था। साथ साथ रहते आए दो समुदाय का एक हिंसक और भयानक विभाजन हुआ। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। 1951 के समय भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारतीय सरकार अपने मुसलमान नागरिक तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों को, मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करें। बंटवारे के कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव पहले ही कायम था। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक हित भी जुड़े थे। भारत सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान नागरिक का दर्जा देने के पक्ष में थे। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी की शहादत। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया था, क्योंकि वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी। अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम कर रहे थे, वही सिद्धांत इस कठिनाई के समय लोगों को एक सूत्र में पिरोने में नाकामयाब रहे। गांधी जी ने हिंदू मुसलमान दोनों को हिंसा करने से रोका। गांधी जी की मौजूदगी के कारण हालात कुछ हद तक सुधर गए और आजादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव से मनाया। परंतु हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और तब गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए थे। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही थी। गांधी जी दिल से चाहते थे मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। गांधी जी को लग रहा था कि भारत सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धता को पूरा नहीं कर पा रही। सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए गांधी जी उपवास पर बैठ गए। परिणाम स्वरूप दंगे शांत होने लगे। हिंदूवादी लोग चाहते थे कि जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का देश है, वैसे ही हिंदुस्तान हिंदुओं का देश बने। कट्टर हिंदूवादियों ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके अथक प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज हुए कि 30 जनवरी 1948 के दिन अति हिंदूवादी नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी का मानना था कि भारत को किसी हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की तो भारत बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ। गांधी जी की मौत का देश के सांप्रदायिक माहौल पर जादुई असर हुआ। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गई। रजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बांटा गया। भारतीय प्रांत
जिनका सीधा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार करती थी। छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़े कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी। राज्य के घरेलू मामले राजा देखते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के एक तिहाई हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक चार भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। रजवाड़ों की समस्या। रजवाड़ों की संख्या 565 थी। कानूनी तौर पर ब्रिटिश सरकार की समाप्ति के बाद रजवाड़े आजाद हो गए थे। रजवाड़ों की मर्जी थी कि वह भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए। यह फैसला राजा को करना था, प्रजा को नहीं। त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा की। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। यह सब देखकर भारत की एकता और अखंडता खतरे में लगने लगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अधिकतर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने पर राजी कर लिया। यह काम बहुत ही जटिल था और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। उड़ीसा में ही 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन था। कश्मीर की जनता मुस्लिम थी और महाराजा हिंदू थे। महाराजा का नाम हरि सिंह था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेज दी। ऐसे में कश्मीर के महाराजा ने भारतीय सेना से मदद मांगी। भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से सेना को खदेड़ भगाया। इससे पहले भारत सरकार ने राजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। भारत कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया। इसे संविधान की धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मगर अब 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। हैदराबाद के राजा को निजाम कहते थे। दुनिया के अमीरों में इनका नाम शामिल था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यह समझौता हुआ, परंतु एक साल के लिए था। निजाम के अत्याचारों के खिलाफ तेलंगाना के किसानों ने और महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया था। हैदराबाद इसी आंदोलन का गढ़ बन गया था। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इन्हें रजाकार कहा जाता था। रजाकार बहुत ही सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों से लूटपाट मचाई और हत्या की। बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद में कुछ रोज तक लड़ाई चली। अंत में निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। साथ ही हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। मणिपुर के महाराज का नाम बोध चंद्र सिंह था। उन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
उन्हें आश्वासन दिया कि इसकी एवज में मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी, परंतु वहां की जनता संवैधानिक राजतंत्र चाहती थी, इसलिए 1948 जून में चुनाव करवाया गया। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ। चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से बिना परामर्श किए महाराज पर दबाव डालकर भारतीय सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए। जूनागढ़ के नवाब का नाम महावत खान था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद जूनागढ़ का नवाब भारत में मिलना नहीं चाहता था। महावत खान जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करवाना चाहता था, लेकिन वहां के लोग भारत में शामिल होना चाहते थे। इसके लिए जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें 90% से ज्यादा जनता ने भारत में विलय को स्वीकार किया। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया और जीत का नतीजा भारत के पक्ष में हुआ। राज्यों का पुनर्गठन। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने वायदा किया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, परंतु विभाजन की त्रासदी को देखकर डर था कि देश की एकता और अखंडता खंडित ना हो जाए। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यह सिर्फ प्रशासनिक विभाजन का मामला ना था, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता को बनाए रखें, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। दूसरी बात यह भी थी, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक ना जाए। केंद्रीय नेतृत्व में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश में आंदोलन शुरू हो गए और मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क गया। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल व कर्नाटक में भी थे। मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। कांग्रेस के गांधीवादी नेता पोटी श्री रामलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई और आंध्र प्रदेश में हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेकों लोग घायल हुए और मारे गए। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद दूसरे राज्यों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पंजाब को 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य को बनाया। असम को 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा भी बनाए। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाए। भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। आशंकाओं के विपरीत इस देश की एकता और मजबूत हुई। भाषावार राज्यों के
पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। भारत में लोकतांत्रिक संविधान को अमल में लाया गया। भारत में चुनाव कराए गए। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बड़ा अर्थ है विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। यह भी माना गया कि विविधताओं में आपसी विरोध भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई है। आशा करती हूँ इस अध्याय को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।